विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुव यद्भद्रं तन्नाशुव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। सामान्य गति, मध्यम गति अथवा जो पूरी तरह से निरोगी हैं, योगी हैं, युवा हैं, वे तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना। जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग, हर्निया, बैकएक या वीकनेस है, वे तीव्र गति से न करना, मध्यम गति से, सामान्य गति से, जैसी शक्ति वैसी गति। एक अनुष्ठान की तरह जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो इस प्राणायाम से हमारे भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। मैं बार बार वेद शास्त्रों के प्रमाणों और अपने प्रयोगों के अनुभव के आधार पर जो परिणाम मिले उसके तहत बार बार ये कहता हूँ कि प्राण रोगियों के लिए औषध है, ये विद्यार्थियों के लिए ज्ञान है, विद्या है, ये युवाओं के लिए शक्ति है, और जो तत्ववेत्ता आत्मवेत्ता है, ब्रह्मवेत्ता बनना चाहते हैं, उनके लिए प्राण ब्रह्म है। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम करने से 10 से 20 गुना ज्यादा ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में लगभग 500 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं। डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, और एक एक सेल की रिक्वायरमेंट है प्योर ऑक्सीजन एंड प्योर फूड, चाहे वो हमारे सेल्स हैं, जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए से लेकर के क्रोमोसोम्स, जीन्स, सेल्स, उनसे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन्स, पूरा सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर प्राणायाम से एनर्जाइज हो जाता है। और आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, चारों ओर से हम शुभ का आधान करते हैं, दिव्यता का आधान करते हैं। हमारे पंच प्राण, पंच कोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, अष्ट चक्र, नवद्वार, 72,72,10,201 नाड़ियां, पूरा अस्तित्व हमारा ऊर्जा से, दिव्यता से, शुभ से भर जाता, अप्लावित हो जाता है। ऐसे भाव से कि चारों ओर से इस ब्रह्मांड की संपूर्ण दिव्यताओं का मैं आधान कर रहा हूं अपने भीतर, प्राण का आधान करते हुए इस ब्रह्मांड की दिव्यताओं का, शुभ का, पवित्रता का, शक्ति का, सामर्थ्य का, ऊर्जा का, आरोग्य का मैं आधान कर रहा।
चारों ओर एक ही भगवान का नूर हर तरफ हर कहीं, हाँ उसी परमात्मा का नूर है, उसी की शक्ति है, उसी की ऊर्जा, उसी का सामर्थ्य, उसी का ऐश्वर्य। ऐसे दिव्य भाव से मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग करता हूं, योग चेतना। इसी योग चेतना को हम उच्च चेतना, दिव्य चेतना, आत्म चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना या भागवत चेतना कहते हैं। इसी चेतना में जीने का अभ्यास करना है। भस्त्री का कपाल भाति कर, हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। इंसान जब
को सही रास्ता, कोई तो है जो करता है, कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारे दो, कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारे दो। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ सितारो, हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का लो, हाँ उसी का लो। रोशनी का कोई दरिया तो है, रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर, रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ सितारों, हाँ सितारों, हाँ सितारों, प्राणायाम परमम तप। प्राणायाम सबसे बड़ा तप है और ओंकार एक ओंकार सतना ओमिति एकाक्षर ब्रह्म। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओम यह एकाक्षर ब्रह्म है। उपनिषदों में वेदों में ओंकार की अनंत महिमा गाई है। भगवान राम भगवान कृष्ण शिव गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि महर्षि दयानंद आदि सब ऋषि मुनियों ने ओंकार का ही जप किया। ओंकार का ही जप करके सब ने देवत्व को ऋषित्व को उपलब्ध किया। ओंकार का जप हर सांस के साथ, प्राणायाम का तप, प्राणायाम का तप, ओंकार का जप, इसी को क्रिया योग का महर्षि पतंजलि ने तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। अनित्य असुचि दुख अनात्म सु नित्य अशुचि सुखात्म ख्याति रविद्या दृक दर्शन शक्ति एकात्मता यो अस्मिता सुखानुसय राग दुखानुष द्वेष स्वरस वाहि विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। पंचक्लेश जो हमें बहुत दुख देते हैं सब क्लेशों से मुक्त हो जाते, तन में कोई रोग नहीं रहता, मन में कोई क्लेश नहीं रहता, और जब तन के रोग और मन के क्लेश सब अंतर द्वंद्व मिट जाते हैं, हम निर्विकार निर्विचार निर्द्वंद निर्वैर निर्भय हो जाते हैं, तो अपने भीतर से सब प्रकार की दिव्यताएं सहज ही प्रकट होने लगती। कपाल भाती प्राणायाम भी ऐसे रोज ध्यान पूर्वक करना, मात्र एक शारीरिक क्रिया ये ना रह जाए। प्राणायाम करते करते मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों का जागरण हो जाता है, देह देवालय शिवालय बन जाता है। और हाँ हमारे पूरे अस्तित्व से सत्व प्रकाश
दिव्यता, शुभ, सात्विकता प्रकट होने लगती है। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते। और विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्वसेन्द्रस्य युज्यस तद् विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा तत्। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों दिशाओं में दशों दिशाओं में सब ओर एक ही ब्रह्म तो है। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवाः सर्वम्। सब कुछ तो ब्रह्म से ही ओतप्रोत है। स ओतश प्रोतश्च विभु प्रजास। ईशवास्यमिदं सर्वम् यत् किञ्च जगत्याम् जगत्। सब कुछ प्रभुमय है, ईशमय है, भगवतमय है, प्रभुमय है। ये सारा जगत भगवान का विश्वमय स्वरूप है। और इस विश्वमय स्वरूप के पीछे भी वो विश्वातीत प्रभु ही है। ये तो वायमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। प्राणायाम और ध्यान करते समय इस भाव चेतना में जीना है, ब्रह्म चेतना में। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमेवाम्भसा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इस योग चेतना में, उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में, आत्म चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना, ब्रह्म चेतना में, ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होकर, अवस्थित होकर के, समाहित होकर के प्राणायाम करना। प्राण भी ब्रह्म है, प्राणो ब्रह्मेति व्यजाना। प्राण ब्रह्म है और मैं ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हूँ, अवस्थित हूँ। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों दिशाओं में दशों दिशाओं में एक ब्रह्म ही तो है। सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है, सब उसी से संचालित है और अंततः सब उसी में समाहित तो होता है। ये सारे रूप, ये सारे स्वरूप, ये सारे संबंध, ये सारे सुख, ये सारा ऐश्वर्य, ये सारी समृद्धि, जो कुछ मूर्त रूप में हम देखते हैं, इस मूर्त के पीछे वही अमूर्त है। मूर्त भी वही, अमूर्त भी वही है, व्यक्त भी वही है, अव्यक्त भी वही है, दृश्य भी वही, अदृश्य भी वही है, ज्ञात भी वही, अज्ञात भी वही है, प्रभु तो ही तो। ऐसे कपाल भाति प्राणायाम, भस्त्रिका कपाल भाति बाह्य उज्जयी अनुलोम विलोम भ्रामर उद्गीत और अंततः ओंकार ध्यान, ये सब कुछ इस भाव से करना कि मैं ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित, ब्रह्म भाव में। माने एक ब्रह्म के सिवावरियां है ये क्या? सब कुछ ब्रह्म का ही है, ब्रह्म में ही है, ब्रह्म से ही है, ब्रह्म के लिए ही है। ब्रह्म के अलावा तो सब कुछ ब्रह्म है। ये पूरा ब्रह्मांड ब्रह्ममय है, इसीलिए इसका नाम है ब्रह्मांड। पिंड में, ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म की अनुभूति। ऐसे कपाल भाति प्राणायाम, ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होकर करना। सभी प्राणायाम
और इसी भाव चेतना में रह करके अपने सारे कार्यों का निष्पादन करना, इसको कहते हैं योगस्थ हो करके अपने योग का, कर्मयोग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, अष्टांग योग का, राजयोग का, हठ योग का, पूरा जीवन तो योग ही है। ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योग, होल लाइफ इज योग। जो कुछ हम कर रहे हैं सब कुछ योग ही है। अब एक योग का अर्थ है जुड़ना, भगवान से जुड़ना, भगवत तत्व से जुड़ना, उसको अनुभव करना। भगवान का मतलब भगवान के दिव्य ज्ञान से जुड़ जाए हमारा मस्तिष्क, भगवान के दिव्य प्रेम से जुड़ जाए हमारा हृदय, और भगवान के दिव्य कर्मों से जुड़ जाए हमारे हाथ। वो प्रभु तो सदा हमारे साथ है, बस ये अनुभव करना, और यही सत्य अनुभव है, यही यथार्थता है। दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ, कि ये जीवन की अंतिम यथार्थता, ये जीवन का अंतिम शाश्वत नित्य सत्य है कि जो कुछ हमारे पास है, ये पूरा पिंड जो मूर्त रूप में हमें दिखता, और इस मूर्त रूप में दिखने वाले पिंड के पीछे जो अमूर्त शक्तियां काम कर रही हैं, अमूर्त आत्मा काम कर रही है, ये सब कुछ ब्रह्म से ही है, ब्रह्म में ही है, ब्रह्म ही सबका आधार है, ब्रह्म ही सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो योगाभ्यास के समय ये अभ्यास, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, ये अभ्यास हमारा इतना सबल हो जाए, हम ब्रह्म में प्रतिष्ठित होकर के, ब्रह्म से नीचे ना आए, भगवत भाव से नीचे ना आए। इसी को मैं बार बार कहता हूँ, मेरे साथ सभी बोलेंगे, हम योग चेतना, उच्च चेतना, दिव्य चेतना, आत्म चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना, ब्रह्म चेतना में ही जीने का निरंतर अभ्यास करेंगे। बस इस चेतना से नीचे नहीं आना, और इस चेतना में जब जीने का अभ्यास करेंगे तो एक ही सच्चिदानंद ब्रह्म का दर्शन हमें सर्वत्र होगा। कपालभाति करें, चाहे अनुलोम विलोम करें, चाहे अनुलोम विलोम कर लो। विश्वमंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी, आराधक हैं विश्व शांति के, अक्षय टेक हमारी, हम हैं मौन पुजारी, एक सच्चिदानंद स्वरूप के हम उपासक हैं। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम्। आओ अनुलोम विलोम प्रणायाम भाव से करना, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। चरैवेति चरैवेति चरणवै मद्विन्दति इन्द्र इच्छरतः सखा उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। यो जागार तम ऋचः कामयन्ति, यो जागार तम सामानयन्ति, यो जागार तम अयम सोम आह तवाहमस्मि सख्यो। भगवान के साथ एकात्म होकर के प्राणायाम करो, फिर देखो व्याधि तो मिटेंगी ही मिटेंगी, हमने व्याधियां मिटाई हैं, समाधि लगेगी, समाधान मिलेगा, सफलता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सर्वस्व मिलेगा। अनुलोम विलोम करते रहना। मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी,
विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी, आराधक है विश्व शांति के, आराधक है विश्व शांति के, अक्षय टेक हमारे, हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी, विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। पंथ मत दर्शन शैली भाषा रीत विधान प्रणाली, विविध पंथ मत दर्शन शैली भाषा रीत विधान प्रणाली, एक सच्चिदानंद रूप की, एक सच्चिदानंद रूप की भव्य सृष्टि ये सारी, हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। काम के पीछे सब नर भाग रहे हैं अंधे होकर, अर्थ काम के पीछे सब नर भाग रहे हैं अंधे होकर, योग शक्ति से दूर करेंगे, योग शक्ति से दूर करेंगे विकृति स्वेच्छाचारी, हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी, विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। योग शक्ति यह विजयशालिनी, राष्ट्रभक्ति यह विजयशालिनी, खल संघारक धर्म रक्षिणी, योग शक्ति यह विजयशालिनी, खल संघारक धर्म रक्षिणी, खल संघारक धर्म रक्षिणी, नए विश्व का सृजन करेगी, नए विश्व का सृजन करेगी, सब जन मंगलकारी, हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन
पुजारी। आराधक हैं विश्व शांति के, आराधक हैं विश्व शांति के, अक्षय टेक हमारे, हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के, हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के, हम हैं मौन पुजारी, हम हैं मौन पुजारी, हम हैं मौन पुजारी, हम हैं मौन पुजारी, हम हैं मौन पुजारी। ऐसे पाँच पाँच दस दस मिनट लगातार आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम निरंतरता के साथ करना।